अच्छा ये रन हो गया, रन होने के बाद वो हमें ये बता रहा है कि जी मैं इस एड्रेस पर चल रहा हूँ, ठीक है। ये एड्रेस आपने कॉपी करना है, ठीक है, गूगल क्रोम में या किसी ब्राउजर में आकर वो एड्रेस पेस्ट करना है और एंटर करना है। उसी लोकेशन पर ना आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप सिंपल पाइथन का प्रोग्राम भी बनाकर काम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फिर हर दफ़ा रन करना पड़ता है और उसे चलाना पड़ता है, वो फिर अपना क्या कहते हैं थोड़ा इशू आता है, ठीक है। ये हमें साथ साथ आउटपुट दिखाता रहता है। ये देखो ये हमारे पास वही उसी लोकेशन में खुल गया। ये देखो ये लेबल इमेज भी पड़ा हुआ है और इमेजेस का और एनोटेशन का फोल्डर भी पड़ा हुआ है। मैं इधर पहले पाइथन 3 की नोटबुक बनाता हूँ और अब हम इमेज को रीड करते हैं। इमेज को रीड करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है ना वो है CV2, ठीक है। ओपन सीवी इसका फुल नेम है, शॉर्ट फॉर्म CV2 है। 2 से मुराद सेकंड वर्जन है, ठीक है। इसको रन करने के लिए ना आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे ना तो ये शेल, इसे शेल कहते हैं बेसिकली ना, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ये फाइल भी बन गई है। अच्छा आप इमेजेस में जाकर ये इमेज 303 ये मैं रीड करता हूँ आपको, ठीक है। कैसे रीड करता हूँ ये देखो, इमेज इक्वल्स टू cv2.imread बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा आप उसकी लोकेशन दे रही है, क्या लोकेशन है, इमेज स्लैश इमेज एक नाम दोबारा देख लेते हैं, इमेज 1303 ठीक है। अब ये इमेज रीड हो गई है, इसके पिक्सल्स होते हैं। जब हम इमेज कहते हैं ना कि इमेज होती है पिक्सल्स से बने हुए, अब वो जो पिक्सल्स है ना वो एक मिनट इमेज CV2 प्रॉब्लम इसमें ना रीड, अच्छा ये इमेजेस है, सही, सॉरी ये इमेजेस का फोल्डर है, तो ये उसने रीड नहीं की, ठीक है। आप देखो ये आ गया हमारे पास पिक्सल्स। ये मतलब इमेज जो कलरफुल होती है वो 3 से ही बनती है, रेड ग्रीन ब्लू, इन 3 कलर्स के मिक्सचर से इमेज बनती है। अब वो जो उसी को हम एक किस्म का पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वो खड़े हैं, ये देखो ये हर इमेज का यूनिक होगा, ठीक है। जो इनकी रेंज है वो है हर एक 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। तो इतनी रेंज में जितनी इमेजेस आपने बनानी है बना लो, ठीक है। जो मर्जी इमेज है वो इसी रेंज में लाई करेगी और हर एक इमेज का यूनिक होगा। अब आपने इधर शो करनी है, शो करने के लिए ना लाइब्रेरी यूज होती है मैट प्लॉट लिब, कैसे होती है वो ऐसे होती है पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ठीक है। अब PLT.imshow imshow को हम इमेज पास करेंगे, जो हमने इमेज रीड की है ना वही इमेज इसे पास करेंगे, ठीक है। और एंड में कह देंगे कि PLT को जो हमने कहा है ना जो दी है वो शो कर दो, और ये देखो ये वही इमेज आ गई, ठीक है। अब बात आती है जी, जो हमने ये बनाया था उसे अपना के कहते हैं हमने वो करना है, प्लेट हमने बनाई थी ना इस इमेज से, हमने यूँ अपना कर्सर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बॉक्स बनाकर प्लेट बनाया था, प्लेट बनाई थी, ठीक है। अब वो प्लेट जो पड़ी है वो ये इमेज 1303 है ना, तो ये एनोटेशन और ये इमेज 1303.exe, ठीक है। ये देखो ये आ रही है, बल्कि ये यहाँ इसने ओपन नहीं की सही तरीके से, इसे भी ओपन करते हैं। Annotations 303 ओपन विद नोटपैड, ठीक है ये आ गया। अब हमने इमेज भी रीड कर दी, अब हमने ये देखना है जी हमने इसको रीड करना है ये चीज, ठीक है। पूरी फाइल को रीड करेंगे फिर ये चीज फाइंड करेंगे, ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, और फिर उसको अपना क्या कहते हैं
आगे उसको क्रॉप करेंगे, कैसे करेंगे वो भी करते हैं।